भाई मैं तो पहले मीम में ही हार गया, लेकिन तुम इस छोटे वाले को देखो, एक तो हाथ में दारू की बोतल और नाश्ते में मेरा थार, जो भी गाना। कोई बात नहीं भाई, यही कहीं पे आ गए होंगे तुम्हारे 500 रुपए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे 1,05,000 रुपए चैलेंज। मतलब अगर मैं एक बार हंसूंगा तो मैं 500 रुपए दूंगा। जैसे मान लो मैं हंसा तो यही कहीं 500 रुपए का रिडीम कूपन आ जाएगा, जिसने पहले रिडीम कर लिया पैसे उसके। तो और जितनी बार हंसूंगा उतनी बार कूपन दूंगा। मान लो 10 बार हंसा तो 5,000 रुपये, मतलब 500 रुपये 10 बार। तो मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। चलो देखते हैं पहला मीम। भाई मैं तो पहले मीम में ही हार गया, लेकिन तुम इस छोटे वाले को देखो, एक तो हाथ में दारू की बोतल और नाश्ते में मेरा थार, जो भी गाना। कोई बात नहीं भाई, यही कहीं पे आ गए होंगे तुम्हारे 500 रुपए, कर लो रिडीम। एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी थी, जो कि मेरे दिल में था, कि काफ़ी लोगों को हमारे ब्लॉग्स पसंद नहीं आते और वो सोचते हैं किसको नहीं आते रे? भाई यार, ये सौरभ जोशी और उसका भाई आज मेरे बहुत सारे पैसे खर्च करवा देंगे ये लोग। आ रहा होगा भाई यही कहीं कूपन, ले लो ले लो। लेकिन ये क्या नाम है इसका, छोटे वाले का? देखो भाई, मैं सौरभ जोशी को जानता हूँ बस, क्योंकि उसका नाम नाम सुना है, मेरे व्लॉग्स देखे नहीं है उसके अभी। तो ये छोटा वाला शायद इसका पीयूष नाम है, हाँ है ना, हाँ पीयूष ही नाम है ना। तो एकदम आया वो, नहीं है एक मीम, कौन कैरम? कौन कह रहा माखी? किससे बात कर रहे हैं फोन पे? किससे कर रहे हैं? झूठ मत बोल, यहाँ दिखा। अरे रुको जरा, सबर करो भाई, मेरे को पता तो किस किस से बात करता है। अबे अग्रीम है और कौन है? लो बात करो। नहीं मेरे को अपनी आवाज सुनाइयो। जान क्या कर रहे हो? जान क्या कर रहे हो? सच था भाई, मेरे को नहीं पता। अगर तुम में से कोई सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखता हो और उसे ये पता हो कि ये सस्ता ही एडिट था तो बताना जरूर। बाकी कोई बात नहीं, फिर से ले लो 500 रुपये। और सच भी हो सकता है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। पट गई होगी कोई लड़की, बोल रही होगी इस पे तो बहुत पैसा है। राहुल से पूछते हैं। राहुल इधर आ, मुझे कुछ पूछना है। मैं पूछ रहा था, जैसे लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन से लाइफ आपकी लाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ा है? हमारी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले जैसा ही है। जैसे पहले ही घर पे बैठे थे, अभी घर पे ही बैठे हैं। नाक बंद, खोटा खोटा। भाई देखो, यहाँ तो हंसी नहीं आई। भाई का वो वाला मीम है, ये तो भाई का अलकसी वाला है। कह रहा पहले भी काम चोर था, मैं अब भी काम चोर हूँ। लेकिन भाई सारे मजाक से हटके बताता हूँ, लड़कों की लाइफ इजी नहीं होती, लड़कियों की फिर भी होती है। जैसे लड़कों पे कोई और ऑप्शन ही नहीं होता कमाने के अलावा। लड़कों पे पहले जब पैदा होते हैं तो पढ़ाई लिखाई इन सब की टेंशन, पहले स्कूल करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पढ़ते हैं खूब, फिर उसके बाद ड्यूटी। लड़कों पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें कमाना ही कमाना पड़ेगा, क्योंकि उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन लड़कियों का ऐसा नहीं है, लड़कियों का बहुत ज्यादा इजी है। देखो, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं तो शादी कर लेगी, फेल हो गई तो शादी कर लेगी, अच्छी जॉब नहीं मिली तो शादी कर लेगी। लड़कियों का तो बहुत ईजी है ना, कि अगर खुद नहीं कमा पाई, कुछ नहीं कर पाई तो शादी करो, अपने घर जाओ। लेकिन लड़कों का तो ऐसा नहीं है ना, कि शादी कर लो पत्नी कमा देगी। लड़कों को तो खुद ही सब कुछ करना पड़ता है भाई, बहुत टफ है लड़कों की लाइफ, समझ गए? सीरियस हो गया, चलो बाकी अगला मीम देखते हैं। देखो वो सामने देखो, सन चारों तरफ पूरे बादल ही बादल हो रखे हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि पहाड़ में बर्फ गिरेगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। होपफुली फैब्रिक से खराब ना हो, बस जुड़ जाए बस यार। अबे कितना गधा हूँ यार मैं, है ना? भाई देखो, ये हंसा नहीं हो, हंसना वो होता है एकदम खुल के हंसो, समझ गए? ये वाला और ये वाला काउंट नहीं होगा, मैं मीम पे नहीं हंसा, मैं हंसा ही नहीं। लेकिन एक चीज है भाई, सौरभ की बेइज्जती कर दी भाई, जिसने भी पीछे से बोला था, शायद ये भी पीयूष ने ही बोला था। मैंने सुना है कि अक्सर ये पीयूष वगैरह और वो कौन है, कुनाली है शायद, सौरभ की बेइज्जती करते रहते हैं। बाकी चलो कोई बात नहीं, मेरे पैसे बच गए, नेक्स्ट मीम देखते हैं। गाइस एक पोपट हो गया।
Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो गाइज मैं मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ। तो गाइज आज पीयूष और कुणाली गए हैं स्कूल, तो हाँ आज उनके बिना कंटेंट निकालना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। तो गाइज मैं दिल्ली जा रहा हूँ थार के लिए, तो गाइज मैं मुंबई जा रहा हूँ इवेंट के लिए, तो गाइज मैं मनाली जा रहा हूँ गाने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो गाइज फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ। ओरू सौरभ दा आ गए। तो गाइज खाना पीना सब हो गया है, तो गेमर फ्लिप भाई ने एक वीडियो भेजी है, चलो वो देखते हैं। ओ भाई मेरे को नहीं पता था ये सब चलेगा। क्या कर रहे हो यार आप? उधर से लिटरली कुणाल और पीयूष मेरे पास आए, कह रहे हमें भी दिखाओ क्या देख रहे हो। तो गाइज एक पोपट हो गया, उधर से पता नहीं गेमर फिट भैया ने पता नहीं क्या भेज दिया, घर वाले सब मुझे घूरने लगे, पता नहीं क्या देख रहा है। अब टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। सो गाइज फाइनली एडिटिंग कम्प्लीट हो गई है, तो हाँ आई होप आपको इसका ब्लॉग पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइज जल्दी से किसी नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भाई देखो मेरे को नहीं पता था इसमें मीमो में क्या क्या आ गए, ठीक है मीम्स में मतलब। चलो ले लो 500 रुपये, और ये नहीं कि एक मीम पे 3 बार हंसाऊं तो 500 तीन बार, नहीं भाई मीम तो एक ही था, तो ले लो भाई 500। मौज करो तुम, अपनी बंदी को ले जाओ घुमाने के लिए, अपनी किसी को तो ले जाओ भाई घुमाने के लिए। लेकिन एक चीज बताता हूँ, बंदी वाली बात तो मजाक में आ गई भाई, लड़के जो होते हैं ना, मैं पर्सनली एक चीज, मैं तो देखो ऐसा ही हूँ कि लड़के सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से करते हैं और मेनली माँ से। तो भाई 500 रुपये आए हैं, अपनी मम्मी के लिए कुछ ले आइयो, ठीक है समझ गया, क्योंकि भाई लड़के हैं, लड़के सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करते हैं, समझ गए। तो नेक्स्ट मीम देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया था, आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कब होगी। सब मेरी शादी करवाने में लगे हैं अभी से, ऑलमोस्ट 50% लोगों ने यही पूछा है शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी। तो अभी मैं शादी वादी के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, चल झूठा भी नहीं हूँ, बिकॉज मैं 22 साल का हूँ, तो 4-5 साल बाद होगी शादी, हाँ बस यही सीन है। और होगी भी तो मैं ब्लॉग में ही दिखाऊंगा, ये मैं पहले बोल रहा हूँ। भाई देखो कुछ भी है, पीयूष है तो वो, पीयूष ही नाम है ना भाई, मैं बोल रहा हूँ पीयूष है तो वो ठग लाइव वाला होता है ना, इसके ठग लाइव वाले मीम बहुत बनते होंगे, शायद आ जाए कोई हमारे मीम्स की पेटी में, देखते हैं। लेकिन हंसा नहीं हूँ मैं तो। यहाँ पे गांव वालों को दिक्कत होती है इस तरह से, बोट से ही आना पड़ता है, चाहे बाइक ले आनी हो चाहे कुछ भी सामान ले आना हो, कितना स्ट्रगल करके जाना पड़ता है इनको गाँव से पहुँच गए। भाई मेरे को नहीं पता था, देखो यहाँ गाली भी है, मेरे पे मीम्स आए, मैंने कहा ठीक है एक एक करके देखेंगे और रिएक्ट करेंगे, 500 रुपये ले लो। तो भाई आज के लिए इतना ही, सारे मीम खत्म हो गए और मेरे बहुत सारे पैसे भी चले गए। बाकी इसी के साथ क्या क्या, हाँ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो पे, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वो आइकन जरूर दबा लेना बेल आइकन, ताकि कोई भी नई वीडियो आए और ये गिव अवे वगैरह हो तो तुम्हें सबसे पहले पता चले, ताकि पैसे कमा सको तुम, जिम्मेदारी भी तो उठानी है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है वहाँ भी अपडेट दे दिया करूँगा मैं इतने बजे वीडियो डालने वाला हूँ, लिंक वगैरह शेयर कर देते हैं वीडियो के अम्मा, अच्छा अपनी वीडियो के, ठीक है भाई मिलते हैं।